नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती है। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में ऑलमोस्ट आप सभी लोग जानते हैं। तो ये टॉपिक है राइट न्यूट्रिशन, यानी हम अपनी बॉडी को राइट न्यूट्रिशन कैसे दें, किस तरह से ये हमारी बॉडी में काम करता है और कौन कौन इसकी वजह से अगर हमें इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन कौन सी डिजीज हमें हो सकती है, और अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हुई तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, नेचुरोपैथ के जरिए इसका क्या क्योर है या फिर फूड के जरिए हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज हम डॉक्टर देवयानी जोगी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल है कि आज के समय में हमारे लाइफ में न्यूट्रिशन की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों बढ़ती जा रही है? अब देखिए कि लास्ट वीक ही हमने सेलिब्रेशन किया था, न्यूट्रिशन वीक का सेलिब्रेशन किया था, और जैसे नेचर क्यों, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल है नेचुरोपैथ, राइट, मैं होलिस्टिक वे से लोगों को ट्रीट करती हूँ। जब ट्रीट करते हैं तब लोगों को अलग अलग मेथड हमें बतानी पड़ती है दवाइयां के सिवाय आप अपने आप को हील कर सकते हो। उसमें सबसे प्रथम हमारा आता है, फर्स्ट आता है बिकॉज वी आर कनेक्ट टू नेचर। तो नेचर की ओर में, नेचर के माध्यम से, तो नेचर का मीनिंग हुआ फूड, नेचर का मीनिंग हुआ उसके एक्सट्रैक्ट, नेचर का मीनिंग हुआ उसमें से जो हर्ब्स निकल रहे हैं उससे हम ट्रीट करते हैं कोई भी डिजीज हो। अब देखिए, बहुत से टाइम क्वेश्चंस लोगों को आता है कि क्यों हर एक बार नेचर क्यों में खान पीन को चेंज करने को बोलते हैं, आयुर्वेद में खान पीन का पथ्य बोलने में आता है। तो ये दो क्यों, ये दो ही ऐसे है कि जिसमें आपको सबसे ज्यादा फूड पे एम्फेसाइज किया जाता है, न्यूट्रिशन पे एम्फेसाइज किया जाता है। अब देखिए, जब हम लोग ट्रीट करते हैं तो हम लोग रूट कॉज को पहले देखते हैं, उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं क्या हो सकता है। एक जस्ट एग्जांपल कि आपको हेडेक हो रहा है, अब देखिए हेडेक हो रहा है तो क्या करोगे, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे वो इमीडिएटली आपको हेडेक की दवाइयां देगा, लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं, पता कि ये हेडेक मे बी आपका स्ट्रेस के कारण हो सकता है, मे बी आपने रात को प्रॉपरली स्लीप नहीं ली, निंद्रा प्रॉपर नहीं ली इसलिए हो सकता है, या आपको इसीलिए हो रहा है कि आपका हार्मोन में गड़बड़ी है या आपके डाइजेशन में ऐसी कोई चीज गई है जिससे आपको वो पटी नहीं है, आपके भीतर में वो यूज नहीं हो रही है प्रॉपर मात्रा में, उसका इम्पैक्ट नहीं जा रहा है, और वो जब नहीं होता है तो वो थ्रो करता है आइदर हेडेक के द्वारा, आइदर वॉमिटिंग के द्वारा, आइदर फीवर के द्वारा। ध्यान रखिए, इसे हम बोलते हैं उभार, इसे हम बोलते हैं कि टॉक्सिन्स रिलीज होती है आपके शरीर से। अब देखिए, एक फूड मात्र ऐसा है कि जो अगर आपके शरीर में जाता है और प्रॉपर सेट नहीं होता है तो वो इमीडिएटली बैक लाता है, कोई भी रीजन से आपको थ्रो करके वो अंदर पॉइजन को लेता नहीं है। अब आपको लगेगा कि मैम कैसे बैक आता है, तो देखिए जस्ट एग्जांपल कि आपने एक एप्पल खाया, वो एप्पल आपको सूट नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, आइदर आपको वॉमिटिंग करवा देगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स है कि जो आपके भीतर में सूट नहीं कर रही है, तो वो क्या करेगा आपको वॉमिट करवा देगा या फिर आपको लूज मोशन करवा देगा, दोनों पैकी एक करवा देगा। या अगर वो बॉडी में ब्लड स्ट्रीम्स में गई, ब्लड में गई, तो वो क्या करेगी, इन्फ्लामेशन लाएगी। कहां पे, जैसे आपके आंखें या फिर चेहरे में सूजन जैसा लगेगा, हाथों में सूजन जैसा लगेगा, पांव में सूजन जैसा लगेगा, राइट। तो ये सारा क्या है, शरीर में फूड अगर प्रॉपर नहीं जाता है तो वो इमीडिएटली कहीं ना कहीं वे से बाहर निकालता है। अब ध्यान रखिए, जब आप दवाइयां लेते हो तो उसको साइड इफेक्ट्स को, यानी बाहर लाने की जो हम प्रोसेस बता रहे, उसको वो दबाने के लिए आपको डॉक्टर एक दवाई के साथ बाय वन गेट वन फ्री देता है, दैट इज कॉल्ड कोई भी एसिडिक
क्योंकि हर एक दवा एसिडिक होती है और दवा से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे जितने भी हमारे सेल्स है, जितने भी ब्लड स्ट्रीम से, जितने भी ऑर्गन है उस पे वो इम्पैक्ट करते हैं। इसीलिए डॉक्टर हमेशा आपको क्या देते हैं, एक दवा के साथ दूसरी दवा टू शामक की तरफ से देता है, हमें साइलेंट करने के लिए देता है, जिससे ये दवा का जो प्रतिरोध होना चाहिए, ये दवा की जो साइड इफेक्ट होनी चाहिए वो ये दवा क्या कर देती है, डाउन कर देती है। लेकिन हमें लगता है वाओ ये दवा ने चमत्कार कर दिया और मेरा हेडेक भाग गया, राइट। लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं है, आपने दवा ली और हेडेक भाग गया, ऐसा तो अंदर क्या डाला हुआ है वो अगर हमें जानना है तो हमें सीखना पड़ेगा कि क्यों हम नेचर के पास जाने को बोलते हैं, क्यों हमारी बॉडी में ऐसे कौन से सोल्जर्स या ऐसे क्या सिस्टम है कि जिसके द्वारा हम लोग फाइट कर सकते हैं एनी डिजीज। यू कैन बीट योर डिजीज थ्रू द नेचर, यू कैन बीट योर डिजीज थ्रू द किचन के रेमेडीज से। जैसे कि एक बात मैं आपको बता देती हूँ, मोस्ट ऑफ एलोपैथी के डॉक्टर्स जो जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं या उन लोगों को जो उनका 5 years का कोर्स होता है, ये 5 years के कोर्स में उनको सिर्फ 1 महीना ही न्यूट्रिशन का लेक्चर दिया जाता है, वो एक सिलेबस में होता है, सिर्फ 1 महीना। अब ध्यान रखिए 5 साल में सिर्फ 1 माह वो सिर्फ सीखते हैं व्हाट इज अ फूड। क्या आपको लगता है वो डेप्थ में गए होंगे? नहीं, बाकी के 4.5 भी नहीं, ऑलमोस्ट 1 महीना कम वो बाकी में सीखते हैं इस डिजीज को खत्म करने के लिए ये दवा, ये डिजीज को बढ़ाने के लिए ये दवा। सिर्फ दवा 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 ही होती है, वो कभी कोशिश नहीं करते हैं कि मैं भी ये जो पेशेंट आया उसको इंस्टेड ऑफ दवा मैं घर की कोई रेमेडी दो, इंस्टेड ऑफ दवा मैं उसको डाइट पे लेके जाऊं या फिर उसको बोलूं कि ईट जो आपके घर पे लाइव वेजिटेबल्स है, लाइव फ्रूट्स है उस पे करो, क्योंकि फ्रूट्स है वेजिटेबल्स से और जो हमारे साथ नट्स सीड्स बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्रेश है, उससे आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। और जैसे ही आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखोगे फाइट करने के लिए जो अंदर के जो मेन ऑर्गन्स होते हैं, जो मेन सिस्टम्स होती है उसको अगर आप हेल्दी रखोगे तो आप खुद देख पाओगे कि आपकी बॉडी विदाउट मेडिसिन विदाउट दवा कैसे रह सकती है। इसीलिए हम बार बार न्यूट्रिशन को वैल्यू देते हैं, बार बार हम लोग खान पीन को हर एक एपिसोड में हम बोलते हैं जस्ट चेंज योर फूड एंड चेंज योर लाइफ, जस्ट चेंज योर ईटिंग हैबिट, राइट। सिर्फ थोड़ा सा चेंज कीजिए और खुद देखिए कि शरीर में कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जी मैम, जब भी हम बात करते हैं डिजीज की तो ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम की बात आ जाती है। कहा जाता है कि हमें हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी होगा तभी हम डिजीज से फाइट कर पाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या बॉडी में, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम के अलावा भी कोई ऐसा सिस्टम होता है जो हमें डिजीजेस से लड़ने में हेल्प करता है और उसे हम न्यूट्रिशन के जरिए कैसे हेल्दी रख सकते हैं? परफेक्ट एंड वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों को ऐसा ही है, उसमें भी कोरोना बाबा की देन से हम लोग इम्यून सिस्टम इम्यून बॉडी राइट कैसे बढ़ाना है वो हमारे दिमाग में आया। अदरवाइज किसी को पता नहीं था कि इम्यून सिस्टम जब हमारे डाउन हो जाती है तो रोग कैसे बढ़ते हैं। सिर्फ कोरोना में लास्ट 2 साल से 2 years से हम लोग ये नाम को कंटिन्यूस मनाना चिंतना करते रहते हैं। अब देखिए शरीर में जैसे कि हमारे देश को हेल्दी रखना है, प्रोटेक्ट रखना है, हेल्दी का मीनिंग प्रोटेक्ट रखना है, तो सोल्जर्स होते हैं एक हमारे आगे पीछे, जो दूसरी कंट्रीज हमें ना कुछ करे इसलिए आगे पीछे सब सराउंडिंग में बड़े बड़े मोटे सिस्टम सोल्जर्स को रखे हुए। उसी तरह से ये बाहर से जो आपको देह दिखता है, ये बॉडी दिखता है, लेकिन भीतर में ऐसे 5 सिस्टम है, राइट।
कि पांच सिस्टम अगर प्रॉपर रहते हैं, ये पांच सिस्टम को अगर आप प्रॉपरली फीड करते हो तो आपकी बॉडी रिवर्स कैंसर हो सकती है, आपकी बॉडी में रिवर्स डायबिटीज कर सकते हैं, और आपकी बॉडी में ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज जैसा जो हम पैदा करते हैं वो नहीं हो सकता है, राइट? तो वह कैसे कर सकते हैं? तो आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो पहला हमारे बॉडी का जो सिस्टम है वो है एंजियोलेसिस सिस्टम है। व्हाट इज एंजियोलेसिस सिस्टम? वो है ब्लड स्ट्रीम। जितना आपके बॉडी में ब्लड स्ट्रीम्स, ब्लड वेसल्स जितने अच्छे होंगे उतनी आपके बॉडी की क्षमता, आपका शरीर स्वस्थ गिना जाता है। और ये जो ब्लड स्ट्रीम्स है, ब्लड वेसल्स है, वो आपके भीतर में 60,000 माइल में वो रन होते हैं, राइट? अब देखिए, हमें उसको हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। जैसे ही ये ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखते हैं तो शरीर में कहीं ना कहीं इंफ्लामेशन हो जाता है, कहीं ना कहीं कोई बैक्टीरिया या फिर कोई गंदगी हमारे शरीर में आती है। तो वो कहाँ पे आती है? ब्लड सेल्स में, ब्लड वेसल्स में के थ्रू ही सभी जगह ट्रैवल करती है। सो ये एक थेरेपी भी है, और ये थेरेपी के द्वारा लोग इन्फ्लामेशन को दूर करते हैं, लोग इसके द्वारा क्या करते हैं, हेल्दी रखने के लिए कोशिश करते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि मोस्ट ऑफ क्या हो जाता है कि मान लो कि आपकी बॉडी में कभी कहीं पे भी कट हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, आपने देखा होगा कि एक कट हो गया है, कोई भी अगर आप काट रहे हो कैंची से या नाइफ से कुछ काट रहे हो, सडनली आपके यहाँ पे कट हो जाता है। तो कट जैसे होता है, हमारे स्किन की 7 लेयर्स होती है, राइट? जैसे ही कट हो जाता है तो देखिए ब्लड वेसल हर एक पार्ट में होता है, वो क्या हो जाता है, ब्लड इमीडिएटली निकल जाए, और यहाँ पे क्या होगा, सूजन आ जाती है, ध्यान रखिए स्वॉलन जैसा आ जाता है, राइट? लेकिन हम क्या करते हैं, इमीडिएटली ये नानी दादी बता, इमीडिएटली हम क्यों, क्योंकि हमारे माउथ में जो सलाइवा है उसमें कितने सारे बैक्टीरिया है जो हमारे कट को हील करने का काम करते हैं। लेकिन आज का लोगों को लगता है ये तो गंदा है, बट सलाइवा कैन क्योर एनी टाइप ऑफ ड्राइनेस हो, दाद खुजली हो, या कोई पिगमेंट्स हो, या एनी प्रॉब्लम्स हो आपकी स्किन में, वो बैक्टीरिया जो आप बाहर एंटीसेप्टिक बैक्टीरिया या एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हो वो आपके सलाइवा में है। अगर आपकी आंखों की रोशनी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी आंखें वॉटरी, आपकी आंखों में कुछ ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बहुत जलन कर रहा है, मुझे धुंधला धुंधला, सिर्फ रोज आपको क्या करना है, मुंह बासी थूक को आंखों में लगाना है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे फुंसी हो गई है, या फिर आपको लग रहा है यहाँ पे दांत जैसा, या फिर ड्राई कुछ लग रहा है, सिर्फ बांसी को लगाइए और खुद देख सकते हो कि ये कैसे चमत्कार हुआ है। और मैंने मेरे पेशेंट्स को बताया, उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है एंड दे सी द रिजल्ट, बट फर्स्ट इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, जब आप उठते हो तब बांसे, यानी कि हमारे मुंह में जैसे आप ओपन करते हो हजारों ने बिलियन ट्रिलियन अपने बैक्टीरिया मुंह में है, इसीलिए हम बोलते हैं बासी पानी पीने को। लेकिन हाँ, अगर आप एसिडिक हो तो वो बासी पानी नहीं पीना है, एक बार आप ब्रश और वो कर दो, वो बैठे, फिर आप पानी पी लीजिए। लेकिन अगर आप हेल्दी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्रिंक बासी पानी आपको फर्स्ट इन द मॉर्निंग में पीने से ये जो बैक्टीरिया जो है, जो अभी गंदे और अच्छे दोनों होते हैं, तो जो गंदे है वो खत्म हो जाते हैं, राइट? तो मैंने जैसे बोला कि अगर ये कट हो जाता है तो ब्लड वेसल्स, तो मैंने बोला 60,000 माइल्स में वो रन कर रहे, भाग रहे हैं, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे इंफ्लामेशन दिखती है। अब ये इंफ्लामेशन आपने ऑब्जर्व की होगी, कट हुआ हो, स्ट्रेच हुआ हो, तो ये इंफ्लामेशन दिखाई देता है। अब ये इंफ्लामेशन को मान लो आप कुछ भी नहीं करते हो, समझो कुछ भी नहीं करते हो, ऐसे ही छोड़ देते हो, तो दूसरे दिन देखोगे ये कट है वो नॉर्मल हो जाता है, यानी उपसा हुआ जो है वो धीरे धीरे बैठा हो जाता है, और आपको महसूस भी नहीं होता है कि हाँ यहाँ पे कुछ लगा था, हाँ ऐसा लगेगा, हाँ कुछ कल लगा था, लेकिन
ध्यान रखिए, कोई कोई ऐसे पेशेंट है सिर्फ सुई की सिर्फ टच करने से ब्लड इतना ही निकलता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता, 10 दिन लग जाते हैं इसको वॉन्ड को हील करने में। तो समझ जाना है, अब मैंने दो आप लोगों को एग्जांपल दिए, तो इससे आपको समझ जाना है कि जो हमारा एंजियोस्ट्रेसिस जो थेरेपी है वो क्या करता है कि इसको हीलिंग करने में मदद करना है, थ्रू द फूड हम हील करते हैं। तो जिनके ब्लड वेसल में कुछ खराबी है तो वो क्या होगा, हील जल्दी नहीं होगा, तो वो आपको देखने को मिलता है। तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा, ओके दैट मींस ये पेशेंट में ये प्रॉब्लम है, तो हमें फूड उस तरह से उसको खिलाने पड़ेंगे। क्योंकि अब ध्यान रखिए, व्हाई वी ऑलवेज फोर्स द फूड, एक फूड ही ऐसा है कि जो आप दिन में टैबलेट की तरह 3 टाइम या 4 टाइम लेते हो, जैसे कि आप दवाई या टैबलेट्स लेते हो तो उसका होता है ना सुबह शाम को लेना है, सुबह दोपहर शाम को लेना है, सेम टू सेम बचपन से लेके बुढ़ापे तक अन्न हर एक लोग खाते हैं। डिपेंड्स, छोटा बच्चा कैसा खाता है, मिडिल वाला, और बुढ़ा इंसान अपनी शक्ति के साथ, लेकिन खाता जरूर है। सो व्हाई नॉट वी चेंज, अगर इसको ही हम चेंज कर दे तो ये जो है ब्लड वेसल्स में जो खराबी आ जाती है, जिसके कारण हमेशा लोगों की कंप्लेंट्स रहती है कि मेरा शरीर हैवी लग रहा है, मुझे इन्फ्लामेशन, मुझे फीवर हमेशा लगता है, या मुझे कभी भी कुछ भी चीज लग जाती है, तो वो वॉन्ट्स जल्दी से फिक्स नहीं हो सकते, राइट? तो ये हम कर सकते हैं थ्रू द फूड के द्वारा, कि ब्लड वेसल इसको है तो हम क्या करेंगे, ऐसे फूड उसको देंगे कि जिससे क्या होगा, वो और अच्छी तरह से कवर कर सकेगा कि वो जो प्रॉब्लम्स हो उसको कम कर पाएगा। नाउ द सेकंड जो सिस्टम है, पहले थी हमारी ब्लड वेसल्स जितना भी, अब द सेकंड जो सेल है वो है स्टेम सेल। देखिए, अब ये जो स्टेम सेल है, आपने साइंस में पढ़ा होगा या बहुत छोटे थे तब हमने सुना था कि स्टारफिश है, या फिर आपने छिपकली देखी होगी, उसको अगर आप वो गिरती है या कहीं से कट हो जाती है उसका अंग, तो वो वापस रीजनरेट हो जाता है, उसका जो बॉडी पार्ट है वो रीजनरेट होता है। लेकिन ह्यूमन ऐसा है कि उसका एक बार कट हो जाता है, कोई भी पार्ट, कोई भी अंग कट हो जाता है तो वो रीजनरेट नहीं होता है, ये हमने सुना हुआ है, राइट? कि छिपकली है, कोई भी, यानी कि आपने देखा होगा कि सांप है, वो अपने शरीर का ऊपर की स्किन निकालता है लेकिन वापस ऊपर आ जाती है, लेकिन हमारे एक शरीर ऐसा है कि ऊपर से कुछ भी नहीं, वो वापस रिजेक्ट। लेकिन आप गलत सोच रहे हो, यही है स्टेम सेल का मतलब है कि हमारे भीतर में भी जो सेल है वो रीजनरेट होते हैं। जैसे कि आपने कोई ऑपरेशन किया हो, कुछ सेल्स, कोई जैसे एग्जाम्पल फाइब्रोइड का हो गया हो या कोई मास का हुआ, धीरे धीरे वो बढ़ने का काम करता है, राइट? आपने देखा होगा। फिर आपने कहीं लीवर का ऑपरेशन, तो उसकी टेल को कर दिया, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, कवर करके ठीक लाने का काम करता है। जैसे कि प्रेगनेंसी में सिजेरियन हो गया, या फिर नॉर्मल जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो देखिए पहले कैसा था, कट दिया था, धीरे धीरे रुझ जाता है और वो अंदर प्रॉपरली जैसा था वैसा कर देता है। तो समझिए, स्टेम सेल का है कि अगर आपके भीतर में स्टेम सेल हेल्दी रहेंगे तो वो जो आपके भीतर में ऐसे कोई प्रॉब्लम आ गया है वो रीजनरेट ऑटोमेटिक धीरे धीरे करता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि माँ के पेट से हम जन्म लेते हैं, राइट? अब आप सोचिए कि देखिए ये कुदरत का कमाल, देखिए कैसे दो अंडे, सिर्फ दो एग्स मिलता है और एक भ्रूण को जन्म देता है, उसकी आंख आ जाती है, उसका नोज आ जाता है, इसकी कान, एवरीथिंग बॉडी पार्ट्स धीरे 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 वो बढ़ाता है। इमेजिनेशन कभी किया हुआ है कि हमारी काया में एक छोटा सा भ्रूण जन्म ले सकता है? दैट मीन्स योर स्टेम सेल, अगर हमारा स्टेम सेल बहुत मजबूत हम करेंगे तो अंदर जो कट हो जाते हैं, कभी कभी आपने सुना होगा कि सेल आपके डैमेज हो गए, अब सेल जब डैमेज हो जाता है तो वो डैमेज जो टॉक्सिन या हो बढ़ जाता है, वो ही सेल ट्रांसफर होता है इन द कैंसर में, ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि उसके पास कुछ भी जीने के लिए नहीं होता है। तो वो ही हमें देखना है, ये है 750 मिलियन हमारे स्टेम सेल्स होते हैं, राइट? तो ये
हमें वो करना है कि ये जो सेल हमारे पास है उसको हम कैसे बढ़ाएं। दूसरा, आपने कभी देखा होगा कि आपको कहीं पे भी कट हो जाता है, ध्यान रखिए यहाँ पे साइड्स पे कट हो गया, या फिर आपको कहीं पे भी कट, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वो हील होके वहां पे स्किन भी आ जाती है और आपको पता भी नहीं चलता ओ यहाँ पे कट हुआ था। मान लो आपको ब्लिस्टर आ गया है, तो क्या फाड़ के स्किन हुई ना, हाँ सेल्स को फाड़ के, और ये तो वो ब्लिस्टर भी धीरे धीरे, आप जब फूड ले ऐसा लेते हो वो धीरे धीरे हील होने लगता है, राइट। दिस इज योर स्टेम सेल, ये स्टेम सेल है जो हमारे भीतर के जितने भी सेल्स है उसको क्या करते हैं, हेल्दी वे में ग्रो करने का काम करते हैं। और आपको एक बहुत बात बताऊं कि ये स्टेम सेल को बढ़ाने के लिए, अगर आपको बढ़ाना है और हेल्दी रखना है, डार्क चॉकलेट, राइट, डार्क चॉकलेट अगर आप लेते हो तो स्टेम सेल्स आपके हेल्दी रहते हैं और अंदर जो भी कोई गंदगी है उसको, सेल्स को रीग्रोथ करने में डार्क चॉकलेट हेल्प करता है। अब देखिए, आप बोलोगे मैम हम लोग तो डार्क चॉकलेट खाते हैं लेकिन मिथ है कि दांत खराब हो जाते हैं, ये अब आप डार्क चॉकलेट कैसे तरीके से लेते हो, आप डार्क चॉकलेट कब लेते हो, वो भी समझना बहुत जरूरी है, राइट, क्योंकि डार्क चॉकलेट है तो आपके दांतों में फंस जाए या कहीं, तो वो आपको बहुत जरूरी है कि आप एक दिन में कितने आउंस, कितने कप कोको ले सकते हो, यानी के चॉकलेट पाउडर जो है या डार्क चॉकलेट, प्रॉपर डार्क चॉकलेट्स, राइट, उसकी मैं बारे में बात, इसलिए जब प्रेग्नेंट वुमन होती है तो आई प्रिस्क्राइब, मैं बोलती हूँ ईट डार्क चॉकलेट, राइट, इसी के कारण हम बोलते हैं कि ईट डार्क, कि वो क्रेविंग्स जो होती है या सेल्स, स्टेम सेल्स जो हमें ग्रो करता है, कहीं ना कहीं हमारे सेल में डैमेज आ जाता है, तो उसको करने के लिए डार्क चॉकलेट आपको बहुत फायदा दे सके। तो उसके लिए हमें अलग सा एक टॉपिक के चॉकलेट्स कैसे आपको किस तरह से कितना खाना है वो, लेकिन ये चॉकलेट जो है वो आपको हेल्प कर सकती है। नाउ द थर्ड वन, जो थर्ड वन है वो है गट माइक्रो। अब देखिए, गट माइक्रो हमारे भीतर में इतना अच्छा काम करता है कि जिससे हमारे न्यूरॉन पे सीधा कनेक्शन ब्रेन के साथ होता है, ओके? अब कैसे होता है, देखिए ये जो गट माइक्रो वो क्या काम करता है, 39 trillion उसके अंदर माइक्रोब्स यानी बैक्टीरियास होते हैं, 39 trillion जो आकाश के तारे से भी ज्यादा हमारे शरीर में बैक्टीरिया है। और एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि मान लो आपके शरीर में ये एक पानी की ट्यूब है, समझिए ये पानी की ट्यूब है, अब ये जो पानी की ट्यूब है वो है हमारा गट का, राइट, जो आप अंदर की लेयर देख रहे हो यहाँ का, That is a immune system, वहां पे 70% immune system यहाँ पे होता है और वो work करता है, right? तो समझ जाना है, अगर मेरी gut bacteria, gut microbe अच्छे है, मेरी gut अच्छी है, तो क्या होगा, 70% मेरी immunity अच्छी रहेगी। और दूसरा ध्यान रखना है, ये जो गट माइक्रो यानी के यहाँ पे एब्डोमन में नाभि के भीतर में हमारी ये गट होती है, वो सीधा एक नर्व हमारे ब्रेन में जाता है, दैट इज कॉल्ड वेगस वेन, बड़ा सा ये होता है यहाँ पे, और ये वेगस वेन के द्वारा ही हमारी चैनल होती है और हम समझ सकते हैं हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना है, हमें देखना है, हमें हाथ उठाना है, सारा मैसेंजर जो है वो हमारा वेगस नर्व करता है, राइट। तो जब आपके गट अच्छी होती है तो सीधा कनेक्शन ब्रेन यानी न्यूरॉन के, क्यों आजकल घर घर में इंसियोमा का डिजीज हो गया है, स्ट्रोक्स के डिजीज होने लगे, पैरालिसिस के डिजीज होने लगे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चों में भी ऐसे ऐसे नामों के डिजीज हो गए कि जन्म से ही उनको प्रॉब्लम्स हो रहा है या फिर बाद में भी उसको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, राइट, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा गट माइक्रो ये ही खराब है तो इम्यून्स भी खराब हो जाएगा और क्या होगा, वो जो
ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए लोग बोलते हैं ना आजकल हमारा बच्चा कंसंट्रेशन नहीं करता है, आजकल हमारे बच्चे को चश्मे बहुत जल्दी आ जाता है, आजकल मेरा बच्चा ना कुछ करने को कुछ रेडी नहीं रहता, देखता कुछ करता कुछ, खाबों में रहते हैं, राइट, तरंगों में रहते हैं, राइट। पहले तो ऐसा नहीं था, अभी हम कैलकुलेटर के विदाउट काम नहीं कर सकते, लैपटॉप के विदाउट काम नहीं कर सकते, फोन के बगैर काम नहीं कर सकते। लेकिन आप पीछे जाइए, दादी नानी के वक्त जाइए, कभी, आज भी मुझे याद है मेरे पापा ने कभी कैल्सी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर हम बोलते थे नंबर, फटाफट वो राइट डाउन करते थे और विद इन अ सेकंड्स में वो हमें आंसर देते, दिस इज द अमाउंट, राइट। और आज अगर हमें सिर्फ दो का कैलकुलेशन, लेट मी थिंक, ओके 1299 प्लस ये, राइट, क्यों ऐसा होने लगा? क्योंकि हमारी गट, ध्यान रखिए ये कुछ नहीं है, ओके लोग यहाँ पे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, लेट मी ट्रीट ये, नो, क्योंकि हमारा वेगस नर्व यहाँ पे जाता है, तो मेन है हमारा गट, जहाँ पे अच्छे भी बैक्टीरिया बुरे भी बैक्टीरिया। तो जब आप गट को, यानी बैक्टीरिया को, अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ा करते हो, राइट, उसको फैलाते हो, तो आपकी इम्यून सिस्टम आप फाइट कर सकते हो। दूसरा, आपके भीतर में जो हम लोग बार बार बोलते हैं, मुझे मैम गैस की तकलीफ बहुत हो रही है, मुझे कॉन्स्टिपेशन, क्यों बार बार कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ आजकल लोगों को घर घर में होने लगे, मैम मुझे एसिडिटी की तकलीफ हो रहा है, मैम मेरा मेटाबॉल सिस्टम बहुत खराब है, मैं, मेरी बहन देखो पतली है लेकिन खाती बहुत है, लेकिन मैं देखो मैम लगती हूँ मोटी, मैं तो एक आधी ही रोटी खाती हूँ, व्हाई, राइट, मुझे पेट पे हमेशा तकलीफें रहती है, मेरे बैक पे तकलीफ रहती है, मुझे मोड़ना झुकना कुछ काम करने की इच्छा नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज यूर गट माई ब्रदर, जो आपके बैक्टीरिया है, हाँ, जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया, उसको हम अच्छा नहीं करते, इसी वजह से आपकी बुद्धि में, आपके न्यूरॉन पे, आपके नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो रहा है, इसीलिए वो पास ऑन हर एक जगह पे लेके जाता है, राइट। तो हमें उसको बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाओगे? अब देखिए, वी आर इंडियन, हमारे इंडिया में दूध यानी के गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर आप गाय के दूध का छाछ पीते हो, अगर आप उसका दही लेते हो, गाय के दूध का दही में दही यानी फर्मेंटेड गुड बैक्टीरिया है, राइट, उसमें होता है। दूसरा, हमारी ऐसी डिशेस होती है जो फ्रूट वेजिटेबल्स की भी होती है, और जैसे कि आपने इडली खाया वो भी फर्मेंटेड है, फिर कैबेज को फर्मेंट करके आप बना के ले सकते हो, ये क्या है, सावर जो थिंग्स होता है वो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं, प्रमोशन का काम देते हैं, और वो जब लाइव हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो आपके ऊपर तक जाता है और सिग्नल शरीर में अच्छा देने का काम करता है। सो आपको देखना है कि आजकल लोगों को अल्जाइमर का प्रॉब्लम्स आता है, ऑटिज्म का प्रॉब्लम्स आता है, क्यों आता है? बिकॉज कनेक्ट हियर, तो यहाँ का नहीं करना है, डॉक्टर के पास हम यहाँ का करने जाते हैं, मैम मुझे ना वर्टिगो हो गया है, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे इंसोमनिया, मुझे अल्जाइमर हो गया, नहीं, यहाँ का मत ट्रीट कीजिए, डू हियर, अपने गट माइक्रोब को बढ़ाइए, अच्छा सा कीजिए, बहुत से ऐसी चीजें उसको आप फर्मेंट करके, जैसे कि हांडवो खाते हो, ढोकला का, लेकिन आप अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए, राइट, नॉट एनी। दूसरा, हम लोग जो अचार बोलते हैं, देखिए अचार का भी एक ये है कि आप जो अचार खाते हो वो अगर ज्यादा खाते हो तो बॉडी एसिडिक हो जाती है, राइट, लेकिन आपको क्या करना है, लिक करना है, ध्यान रखिए अचार खाने की एक टेक्निक होती है, इसीलिए डॉक्टर लोग अचार खाने को बंद करें, आपको आर्थराइटिस करो अचार बंद करो, आपको गैस है अचार बंद कर दो, आपको इन्फ्लेमेशन अचार नहीं, अचार नींबू का अचार है, या फिर अचार आपका चना मेथी का है, या आपके पास मैंगो का अचार है, दे क्या करता है, आपकी जो चयापचन की क्रिया है वो जो थम गई है, अग्नि जो लो हो गई है उसको प्रदीप्त करता है, लेकिन क्या करना है, यू नीड टू बीच में चाटना है, राइट, चटनी है। देखिए दूसरा, ये गट को कैसे, इमली, बहुत से लोगों को जब मैं बोलती हूँ कि इमली का, नहीं मैम मुझे तो ना शरीर सूज जाता है, मुझे तो ना अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, मैं नहीं खा सकती, नहीं, वाय, बिकॉज योर गट, आपकी गट जो माइक्रोब है, जो बैक्टीरिया हमें चाहिए वो कम हो गए, अनहेल्दी हो गए, इसीलिए ब्रांच की तरह गंदगी फैला रहा है, राइट, तो डरने की जरूरत नहीं है, इमली भी वेरी नाइस,
राइट, तो आप इमली की चटनी है, इमली को ऐसे ही आप खा के देखिए, उसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में है इमली अंदर, राइट, तो आप वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। इमली की छोटी छोटी गोलियां भी आती है, और जब भी आप कहीं जा रहे हो तो आपको अगर लगता है कि आप कहीं जा रहे हो और आपको नौजिया जैसा, क्यों, क्योंकि आपके जो बैक्टीरिया है वो कैसे हो गए, गंदे हो गए, तो वो इसीलिए आपको यहाँ ऊपर की तरफ लाता है, तो यहाँ से ट्रैवल कर, इसलिए आपको नौशिया लगता है, आपको लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। तो वो इमली जब आप खाते हो या आंवले का प्रयोग करते हो, तो वो क्या हो जाता है, वो अच्छी तरह से आपके जो बैक्टीरिया जो लो हो गए है उसको फीड वो करता है, राइट। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ऐसे फर्मेंट वाले फूड खाया कीजिए, या फिर इस तरह से जब आप लेते हो, ऐसे फ्रूट्स भी है कि जो आप लेते हो तो उसमें भी मिल जाता है। तो ये है गट मामला। नाउ वी मूव ऑन कि हम लोग लास्ट में फोर्थ वन कौन सा हो सकता है। अब देखिए फोर्थ वन है हमारा डीएनए। अब आप बोलोगे कि डीएनए का मतलब तो मैम हमने सीआईडी शो आता तो उसमें दया इसमें ये तो नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, राइट। पहले हम देखते थे सीआईडी या क्राइम्स का इसमें चेक करने के लिए, यही है ना, बालों को तोड़ के चेक करते, नहीं। अब देखिए डीएनए का काम हमारे शरीर में क्या काम करता है, जब आप धूप में जाते हो, जब आप बीच में जाते हो, समुद्र पे ऐसा हिल स्टेशन में जाते हो, सूर्य का प्रकाश में, या स्विमिंग करते हो, या एरिजोना पे, या कहीं ऐसी जगह पे फॉरेन पे जहां पे बीच सुंदर है और आप गढ़ते रहते हो, राइट। तो सन यूवीए रेज, यूवीबी रेज, राइट, हमारे शरीर में ज्यादा होता है तो कैंसर होने की शक्यता बढ़ जाती है, राइट। अगर आप कोई खानों में काम कर रहे हो, मिल्स में काम करो या कुछ, तो जो केमिकल की फ्लूम आपके अंदर जाती है, हाँ, तो हमारे लंग के कैंसर होने के चांसेस है, लंग को डैमेज करने के चांसेस रहते हैं, आपको अस्थमा के चांसेस रहते हैं, देयर आर सो मेनी रीजंस होता है, राइट। लेकिन आप जब घूमने जाते हो तो आपको कैंसर तो होता नहीं, स्किन कैंसर कभी नहीं होता, जब आप ऐसे कहीं वर्क कर रहे हो तो आपको कभी लंग का कैंसर नहीं हुआ, क्यों नहीं होता, होना चाहिए, राइट, क्योंकि वो तो केमिकल्स, वो तो पॉल्यूशंस वाला है, तो उससे तो हमारे स्किन डैमेज होनी चाहिए, इसीलिए नहीं होती, बिकॉज ऑफ डीएनए। ये डीएनए क्या है, एक प्रोटेक्ट वायर की तरह है, राइट, वो एक प्रोटेक्ट सिस्टम है हमारा, कि जो आपके जो ऑर्गन है, आपके जो सिस्टम है, आपकी जो टिश्यूज है ना, उसके प्रोटेक्ट वायर का काम करता है। जब ये डीएनए हेल्दी होता है तो अंदर जो है उसको वो डैमेज करने नहीं देता है, इसीलिए हमें क्या करना है, डीएनए को हेल्दी रखना है। दूसरा, अब डीएनए को जब हम हेल्दी रखने का काम करते हैं तो वो कैसे कैसे काम करेगा, तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। मेरे पास शू लेस नहीं है, बट ये हैंड फ्री है। अब देखिए, मान लो कि ये शू लेस है आपका, ठीक है, ये आपका शू लेस है, और ये हमारा जो आप लेस होती है ना वहां पर टाई करते हैं, यहाँ पे प्लास्टिक होती है, राइट। तो अब जो ये है, तो क्या होता है, ये है आपका डीएनए का रूप है, लेकिन ये जो मेन है वो टेलिस्मिया है, वो जो मेन काम करता है ये काम करता है। अब देखिए, जब शरीर में कोई भी तरह का प्रॉब्लम्स जो आता है, कब आता है, डीएनए तो हमेशा स्ट्रांग रहता है, लेकिन मेन है आपका ये शू लेस का, जो हम प्लास्टिक नहीं होता है, समझ सकते हो आप मैं क्या बोला, ये जो प्लास्टिक है वो जब पिघल जाता है, वो कैसे पिघलता है, स्ट्रेस बॉडी में इमोशनली आया तो ये धीरे धीरे क्या करता है, बर्न होने देता है, तो ये प्लास्टिक है, ये रबर है, वो बर्न होने लगता है। जैसे ये टूट गया, इसकी क्या वैल्यू रहेगी, आप सोचिए, ये भी निकल जाएगा, आपने कभी देखा होगा शू लेस का, ये निकाल दो, ये भी फटफट फटफट करके निकल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट इज दिस वन, राइट। अगर मान लो आप स्मोकिंग कर रहे हो, ओ आई लव स्मोकिंग, मुझे अच्छा लग रहा है, फीलिंग आई वांटेड टू शो, जब आप स्मोकिंग करते हो वो बर्न हो जाता है, जब अल्कोहल लेते हो वो बर्न होने लगता है, राइट। जब आप कोई ऐसे पॉल्यूटेड जगह पे टू मच जाते हो, ये क्या होने लगता है, केमिकल से बर्न होने लगता है। तो समझने की कोशिश कीजिए, ये है एरिया बहुत छोटा सा, हाँ, ये छोटा सा एरिया, लेकिन ये है पूरा हमारा डीएनए, लेकिन ये है मेन पॉइंट। जब ये बर्न होने लगता है तभी सारी गंदगी हमारे शरीर के अंदर आ जाती है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट कीजिए। इसको जब आप प्रोटेक्ट करते हो, एंड ऑफ द इसको प्रोटेक्ट करते हो,
तो क्या हो जाता है, हमारा डीएनए भी प्रोटेक्ट हो जाता है और हम कैंसर से बच सकते हैं। हम ऐसी बीमारियां जो बहुत सारी खतरनाक बीमारियां, आजकल तो नाम भी खतरनाक है कि हमें भी नहीं पता चलता ये कौन सी बीमारी कहां से आई हुई है, तो बस ध्यान रखना है। हम जो मेंटली, नॉट द फिजिकली, आजकल लोग मेंटली इमोशनली बहुत स्ट्रेस होते हैं, वो बर्न करता है। आपको लगता है मैम आई एम हैप्पी, देखो फिजिकल से तो मैं बहुत अच्छा हूं, मैं भाग सकता हूं, लेकिन आई एम अंडर द स्ट्रेस, या भीतर में कुछ आप किसी के बारे में क्रोध, जलन या ईर्ष्या रखते हो, ये क्या होने लगता है, ये इतनी होती है, इतना ही टूल जो शूलेस होता है उसकी जो थ्रेड उतनी ही होती है, वो धीरे 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 टूटने लगता है और आखिर में जहां जहां डीएनए का प्रोटेक्शन वायर जाता है वहां वहां वो गंदगी फैला देता है, राइट। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगी, स्ट्रेस से रिलीज होने की कोशिश कीजिए, ईट दैट वर्क, सत्व गुण बढ़ाओगे फूड में तो स्ट्रेस लेवल आपका कम होगा, मेडिटेशन करोगे स्ट्रेस लेवल कम होगा, इमोशंस माइंडफुलनेस से रखना है हमें, व्हाट इज अ माइंडफुलनेस, तो वो सीखने की जरूरत है हमें कि हम इमोशंस में क्यों जाते हैं, उसको कम करोगे ऑटोमेटिक हमारा डीएनए जो है वो सिस्टम है हमारा पावरफुल हो जाएगा। तो इसके लिए कौन सा फूड है, अब देखिए बहुत ही अच्छा फूड है इसके लिए, डीएनए को इसको सेल को बढ़ाना है हमें, तो वेरी प्रिटी मैं आपको बता देती हूँ, ग्रीन टी, ध्यान रखिए इट्स बेस्ट आपका है कि ग्रीन टी से आप बच सकते हो। दूसरा ब्रोकली, ओके, हम ब्रोकली को, लोगों को लगता है ब्रोकली क्या, लेकिन ब्रोकली का क्या यूज करते लोग, फ्लावर है ब्रोकली ऊपर का लेते नीचे की डंखल को फेंक देते, मत फेंकिए, आज मैं आपको बताऊंगी किस किस की डंखल बहुत नेसेसरी है। ब्रोकली है, कैबिज, बीच का जो डंखल होता है ना उसको हम फेंक देते, उसी के भीतर में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है, राइट। तो कैबिज को आप फर्मेंट करना चाहते हो तो पत्ते भी लो और बाद में जो ऐसा बड़ा सा रॉक जैसा था उसको भी काटो, ब्रोकली को लिया, फ्लावर को लिया तो बीच का जो ऐसा स्टेम्स जो होता है ना ऐसा मोटा जैसा होता है उसी के अंदर पावर हाउस है हमारे शरीर को हेल्दी रहे। डोंट थ्रो, हम लोग यूज करते हैं धनिया पत्ता यूज करते हैं, धनिया धनिया काट लेते हैं इतना फेंक देते हैं, अरे पत्तों में नहीं है, मेन है रूट्स में है, राइट। तो धनिया के साथ, पत्तों के साथ रूट को भी इस्तेमाल कीजिए। स्पिनिच लेते हो लेकिन स्पिनिच के डंखल को फेंक देते हो, पत्ते पत्ते तोड़ लेते हो, मिंट को लेते हो पत्ते पत्ते तोड़ ले, बेजिल को लेते हो पत्ते पत्ते तोड़ लेते हो, ऐसा मत कीजिए, राइट। जैसे हम छिलके, पंपकिन लिया तो पंपकिन के छिलके, फ्रूट में छिलके भी इंपॉर्टेंट है। तो एक मैंने बोला ग्रीन टी इज द बेस्ट, ब्रोकली आप बिलीव नहीं करोगे, एक फ्लू शॉट लेते हो आप, एक फ्लू शॉट इज इक्वल टू ब्रोकली सूप, ब्रोकली जूस, सिर्फ जो स्टैम्प है ब्रोकली का उसको फेंकिए मत, क्रश करके जूस बनाए, इज इक्वल टू फ्लू, जो आपके भीतर में जो हम अभी शॉट्स लगाते हैं, राइट, वैक्सीन लगाते हैं टू प्रोटेक्ट अवर डीएनए, प्रोटेक्ट अवर इम्यून, प्रोटेक्ट अवर गट, प्रोटेक्ट, लेकिन सिर्फ खाना खाना शुरू कर दीजिए इस तरह से, स्टैम्प्स को मत फेंकिए, बिकॉज दे प्रोटेक्ट द लास्ट वन प्रोटेक्ट काम करता है। और दूसरा एक है कॉफी। अब आप बोलोगे मैम आप तो चाय कॉफी बंद करने को बोलते हो और आज कॉफी बोल रहे हो, यस कॉफी, बट कॉफी कैसी बनानी, ब्लैक कॉफी, ग्रीन कॉफी, दे फैट जो हमारा है हाँ उसको रिड्यूस करने का काम करता है, जो गंदगी भरी हुई है उसको, टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है। जैसे ही अगर हमारे डीएनए के आसपास में ये वायर के आसपास गंदगी है उसको रिड्यूस करने के लिए काम कौन करता है, कॉफी करता है, ब्लैक कॉफी, ग्रीन कॉफी काम करता है, ब्रोकली का जो स्प्राउट्स मैंने बोला वो काम करता है। सो देयर आर द बेस्ट थिंग्स एंड द लास्ट वन, द फिफ्थ वन, इम्यून सिस्टम, राइट। द पांचवा जो हमारा सोल्जर है, सिस्टम को फाइट करने वाला जो सोल्जर है वो है इम्यून्स। अब देखिए इम्यून्स हमारे शरीर को पावर हाउस की तरह काम करता है, छोटे बच्चों से लेके बड़े तक, और आपको जान के हैरान होगा 80 साल के उम्र के जो बूढ़े होते उसमें भी इम्यूनिटी पावर उतनी ही तगड़ी होती जो 10 साल के उम्र के बच्चे में होती है। बस ध्यान क्या रखना है, 80 साल और 10 साल क्या ध्यान रखना है, आपकी खान पीन, आपकी लाइफस्टाइल, क्या आप इंटेक करते हो, वो बहुत नेसेसरी है। अगर आपकी लाइफस्टाइल में, हम सोचते हैं हम जन्म, मैं एक आपको बात बता दूं, हम जन्म लेते हैं ना तब से हम अन्न को भी ग्रहण करके आते हैं,
आप सोचोगे कैसे ग्रहण करते हो। देखिए जन्म के साथ हम अन्न का दाने को लेके आते हैं, तो आप जब छोटे होते हो ना, ये खाओ वो खाओ फलाना खाओ डिगरू खाओ, और वो हमारा जो कोटा खाओ, तो हमारे कोटे में मान लो 10 किलो है, तो आपने बचपन से लेके 20 साल तक 25 साल खाओ 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 किया, तो वो कोटा खत्म हो गया। अब 25 साल 30 साल के बाद लोगों को, अरे मेरी बैक में कमर हो रहा है, बैक पे प्रॉब्लम्स हो रहा है, मुझे ना हेडेक बहुत हो रहा है, मुझे पीसीओडी के प्रॉब्लम्स है, मुझे डायबिटीज हो गया, क्यों? बिकॉज आपका जो कोटा था वो फिनिश कर दिया। अन्न पे ध्यान रखिए, कितना अन्न खाना चाहिए, कैसा अन्न खाना चाहिए, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इम्यून सिस्टम आप ध्यान रखना, बूढ़े हो गए वो भी पावरफुल रख सकते, बिकॉज 70% योर इम्यून सिस्टम लिव इन द गट के अंदर रहती है, गट माइक्रो है, तो बैक्टीरिया को आप बढ़ाओगे। अब ये इम्यून कहाँ पे मिलेगी आपको, तो ध्यान रखिए जिसके अंदर वाइटामिन सी के फ्रूट्स है, आंवला में सबसे बढ़िया है, सरगवा के शिंगे में सबसे बड़ा है, बेरीज एंटीऑक्सीडेंट्स, जितनी भी बेरी उसमें ब्लूबेरी। अब लोगों का क्वेश्चन रहता है, मैम ब्लूबेरी 200 रुपए की 100 ग्राम ही आती है, तो हमारे घर पे तो 5 लोग हैं, ये तो 100 ग्राम तो नहीं गए। तो आप एक जोड़ी कपड़ा लेते हो वो कितने का आता होगा, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का आता है। आप एक नेकलेस ले लिया, एक कान की बुट्टी लेते हो, कितने रुपए की आती हो, 500। तो उससे तो अच्छा है ऐसा खाना खिलाओ। आप कभी चिप्स का पैकेट ले, एक चिप्स का ऐसा होता है, लेकिन उसके अंदर कितना होता है, वो डैमेज करने का काम करता है, राइट? तो आप सिर्फ अपने इसको मस्तिष्क को जरा समझिए कि जैसे मैं मेरी इम्यून को बढ़ाऊंगा, मैं मेरे डीएनए को बढ़ाऊंगा, मैं मेरे गट को, मैं मेरे स्टेम सेल को और ब्लड वेसल को अच्छा रखूंगा, ये 5 लोगों को मैं अच्छा रखूंगा, तो मुझे कोई भी डिजीज आ नहीं सकती। अगर आएगी तो मैं उसको रिवर्स कर सकूंगा। सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस रिवर्स के मामले में, वो भी हम जल्द देखेंगे। जी मैम, आपने बेहद ही खूबसूरती से बताया कि हमारे इम्यून सिस्टम के अलावा भी बॉडी में और भी कई सिस्टम होते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी डीएनए का और भी मतलब समझ आया होगा, क्योंकि आज तक बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ समझते हैं कि या तो हम इससे अपने सेक्स के बारे में पता लगा सकते हैं, या फिर ये बच्चा किसका है उस बारे में, क्योंकि जब भी हम क्राइम सीरीज में देखते हैं तो इसी तरह की डीएनए को लेकर बात की जाती है। बहुत ही खूबसूरती से बताया मैम। मैम मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ, अभी आपने रिवर्स की बात, तो हम फूड को कैंसर और डायबिटीज जैसी सीरियस बीमारियों को भी रिवर्स कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी आपकी बॉडी में अगर आपको फील होता है कि मैंने ये अन्न को खाया या मेरे बॉडी में कुछ गड़बड़ लग रही है, राइट, दैट मींस आपका ब्लड वेसल में कुछ प्रॉब्लम है, राइट, तो आपको क्या करना है, जैसे ही पहले ही पता चल जाता है आपको कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, इमीडिएटली कॉट कीजिए। हम क्या करते हैं, एग्जांपल कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, राइट, सीधा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, खत्म। अब वो पहले इतना था, समझिए आप, पहले आपका जो प्रॉब्लम था इतना था, दवाई 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 करके अब इतना बड़ा हो गया है, and this is called cancer, this is called diabetes, this is called autoimmune, this is called anything. आपको क्या करना है, watch, जैसे ही बच्चा आपको बताए mama hurt me, एक दिन maybe something, mama hurt me, I don't want to eat, okay, now think about why he is complaining, मुझे बैक पे थोड़ा सा आज लग रहा है, मे बी आपका मेनोपॉज हो, मे बी आपका मेंस्ट्रुअल क्या हो, मे बी ये हो सकता है, लेकिन एवरी डे आई हैव अ बैक पेन, एवरी डे आई हैव अ साइटिका, एवरी डे आई हैव क्रेविंग्स, मुझे बहुत आती है, क्यों आती है, चेंज करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आपको पता चलता है, डॉक्टर के पास लोग जाते हैं और शरीर को खराब करके वापस आते हैं, जैसे मैंने बोला उनके 5 साल में सिर्फ 1 महीना होता है जो सीखते हैं व्हाट इज अ फूड, और हम पूरी टाइम अभी भी सीखते ही रहते हैं, फूड कैन हील, फूड कैन बीट योर डिजीज, राइट। तो आपको क्या करना है, पता चला तो एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फूड को देखिए, फ्रूट में रिवर्स है, पाइनएप्पल जूस, पाइनएप्पल को ग्रहण कीजिए, उसके स्टेम्स को ग्रहण कीजिए, उसके जो पड़ है यानी कि जो पाइनएप्पल के बाहर के जो होते हैं ना, जो हम काट लेते हैं, हम फिर फेंक देते, ग्रीन काटे काटे,
उसका डिटॉक्स ड्रिंक बनाई है, बेस्ट है फॉर द फाइट, बिकॉज पाइनएप्पल में पेपीन एंजाइम होता है, वो हमारे गट में भी एंजाइम होता है, तो पाइनएप्पल इज अ बेस्ट टू क्योर ऑल इंफ्लामेशन इंक्लूडिंग द फाइब्रोसिस इंक्लूडिंग द फाइब्रॉइड, क्योर करता है इंफ्लामेशन को और बहुत गट को अच्छा रखता है। दूसरा है पोमोग्रेनेट, ध्यान रखिए पोमोग्रेनेट 365 दिन अभी तो मिलने लगा हुआ है, लेकिन टिपिकल जब सीजन आती है ईट द पोमोग्रेनेट उसके वाइट और बाहर की स्किन जो शेल है मेक अ टी और डिटॉक्स ड्रिंक की तरह आप दिन में एक बार या दो बार लेना शुरू कर दीजिए। दूसरा है जिंजर, तीसरा है हमारा हल्दी। हल्दी बेस्ट फॉर द जो भी शरीर में कहीं ना कहीं गंदगी होती है वो पैदा होती है इतनी, तो हम जब अगर हल्दी ले लेते तो वो बंद हो जाती। तो यू कैन रिवर्स डायबिटीज क्यों होता है, एक तो है टेंशन तनाव में रहते, दूसरा हमारी गट, ध्यान रखना जब आपकी गट माइक्रोब नहीं प्रॉपर होती, अब गट कहाँ पे है वो ध्यान रखें, मिडिल ऑफ द इसमें है और आसपास कौन है, लीवर है, किडनी है, पैंक्रियास है, इंसुलिन ये है, राइट, तो सारा जो है वो सिस्टम बीच में मणिपुर चक्र में है, राइट, तो उसको बढ़ाइए, गट माइक्रोब को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जैसे ही आप गट माइक्रोब बढ़ाओगे डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हो। दूसरा लोग सिर्फ खाते हैं, बहुत सारा खाते हैं, अरे मैम ने तो ये बता ना, ये भी नट्स भी खाओ, फ्रूट भी खाओ, रोटी भी खाओ, ये भी खाओ खाओ खाओ, लेकिन बर्न योर कैलोरी, आप क्या खाया बैठा, खाया बैठा, अब खाओ बैठो क्या करोगे, मोटे मोटे मोटे, और फिर सारे ऑर्गन जो ऐसे सब हो जाते हैं, हाँ तो वो दब जाते हैं, दे कांट ब्रीथ, सो यू नीड एक्सरसाइज, बर्न योर कैलोरी। अगर आपको लगता है आई कांट डू द योग, बट योग कैन रिवर्स एवरीथिंग, योग थेरेपी आप करिए, अलग अलग हमारे पास थेरेपी होती है, योग थेरेपी होती है, देन योग में ही अलग अलग मेथड होते हैं, ब्रीदिंग थेरेपी, ब्रेथ वर्क से वी कैन रिवर्स योर डिजीज कर सकते हैं, तो ब्रेथ वर्क एंड फूड दोनों को जब हम मिला देते हैं हो सकते हैं। एक है अमीनो थेरेपी, देखिए इट्स गुड फॉर द कैंसर के पेशेंट के लिए होता है, ईट द एंटीऑक्सीडेंट फूड, ईट द अमीनो, हम लोग वैसे फूड प्रिफर करना चाहते हैं, हर्ब्स बहुत सारे नेचर में है, राइट, सिंपल आपके किचन में क्लव है, आपके किचन में सिनेमन है, आपके किचन में नटमेग है, आपके किचन में स्टार फूड है, राइट, स्टार जैसा है, व्हाट इज दिस, आपके किचन में अजवाइन है, आपके किचन में जीरा, सिर्फ आप सिर्फ किचन में जाइए और देखिए, मेथी दाना है, कलौंजी है, ब्लैक आपका जीरा, वो बहुत फायदा करता है, एक ब्लैक जीरा आता है बहुत कड़ू कड़ू होता है, सिर्फ आपको ऐसा चिमटी ही खाना है रोज, और फिर देखिए लीवर को क्लीन करता है, किडनी को क्लीन करने का काम करता है, सो मेनी बेनिफिट, कलौंजी खाना शुरू कर दीजिए, सिनेमन खाना शुरू कर दीजिए, राइट, हमारे देश के हम कुछ नहीं करते, लेकिन जब आप एब्रॉड में जाइए दे हैव अ टैग, ओ लाटे विच वन लाटे यू वॉन्ट, येलो लाटे यू वॉन्ट और ब्राउन लाटे यू वॉन्ट, अब ब्राउन का मतलब है सिनेमन वाला लाटा और येलो का मतलब है हल्दी वाला लाटा, क्या हमारे पास तो ये सब कुछ है फिर भी हम लोग वहां पे ओ गिव मी लाटे और हम डॉलर अमाउंट पे करते हैं, सो प्लीज आप लोग खान पीन की तरफ ध्यान रखिए, जैसे आपको पता चलता है कि मुझे पाँव में दर्द हो रहा है दैट मीन्स मुझे थकान सा महसूस क्यों हो रहा है, मैं खाता हूं मुझे कुछ नहीं है, तो समझ जाइए आपकी सिस्टम में प्रॉब्लम, जस्ट स्टार्ट उपवास कर दीजिए या स्टार्ट कच्चा आहार या फ्रूट पे चले जाए, जूस पे नहीं, क्योंकि हम लोग जो जूस है वो भी मिथ है, वो भी हम आगे शॉर्ट में चर्चा करेंगे। मैम अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारी एक दर्शक हैं बबीता, उनकी उम्र है 39 साल, वो बता रही हैं कि उन्हें कैल्शियम की कमी बताई गई है लेकिन वो टैबलेट नहीं खाना चाहती, तो वो पूछ रही हैं कि मैं इसके लिए क्या करूं। अब देखिए कैल्शियम की कमी कहाँ से आई वो देखनी जरूरी है, राइट, आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम हो गया, आपके बाल झड़ गए, बालों में ध्यान रखिए, बाल झड़ना, स्किन का प्रॉब्लम, हड्डियों का प्रॉब्लम्स, आपको थकान बार बार लग रही है, दैट इज अ कैल्शियम की प्रॉब्लम्स है, तो फट से पहले ही करना है किचन में जाके देखना आप कौन सी रोटी खाते हो, पहले रोटी का देखिए, राइट, बिकॉज पीपल लव रोटी, रोटी व्हीट की रोटी
80% लोग है, वीट की रोटी बच्चों के लिए है। अब हमारी उम्र अगर बढ़ जाती है, अगर आप 25 के नीचे हो तो आप गेहूं की रोटी खा सकते, लेकिन जैसे आप 25 के ऊपर हो गए हो, समझ जाइए गेहूं को साइड पे रखना है, आपको डालना है दूसरे मिलेट्स को डालना है। तो रागी बेस्ट है, ओट्स बेस्ट है, जौ बेस्ट है। तो ये तीन आटे को मिक्स कर लीजिए। दूसरा ड्रमस्टिक, उसके पत्ते, ड्रमस्टिक्स उसका जो ब्रांच होता है, उसका जो मूल होता है, रूट होता है, स्टेम्स होता है, सब कुछ बहुत अच्छा है। सो सहजन के पत्ते को इस्तेमाल करिए, ड्रमस्टिक्स जो लंबी शिंगे आती है उसका इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद तिल, ब्लैक तिल एंड व्हाइट तिल, दोनों तिल आपके पास हो तो तिल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करना शुरू करिए। सबसे फर्स्ट इन द मॉर्निंग तिल को खाने की कोशिश कीजिए। और चूना जो आप पान के दुकान में देखते हो, तो अपने घर पे चूना रखिए, और इतना चिमूट जितना चूना आप अपने दालों में ले सकते हो, या फिर आप अपने सूप में डाल सकते हो, किसी में भी जूस में डाल सकते हो, किसी में भी राई के दाने जितना चूना डालना शुरू कर दीजिए। तो आपको कैल्शियम की और आयरन, देखिए कैल्शियम आयरन और विटामिन डी ये तीनों है ना कंबाइन में काम करते हैं। तो आपको क्या करना है, पोमोग्रेनेट के जो है जूस है उसके अंदर चूने को डाल देना है, इतना चिमूट चूना डाल देना है, राइट। तो क्या होगा, आपको आयरन भी बढ़ेगा, कैल्शियम भी बढ़ेगा, और उसको एब्जॉर्प्शन विटामिन डी भी मिल जाएगा, राइट। तो ये तीन आप ले सकते हो। फिर फ्रूट्स आप लेना शुरू, बनाना इज अ वेरी नाइस, गुआवा इज अ वेरी नाइस, राइट। तो आप इसका इस्तेमाल, टोमेटो, स्पिनिच, केल, किनवा, सो मेनी थिंग्स है, उसको अपनी डाइट में इन्वॉल्व कीजिए। फ्रूट्स मैक्सिमम खाना कोशिश कीजिए, लेकिन फ्रूट के साथ जो जूस आता है उसको मत लीजिए, मत ले। फ्रूट में नेचुरल सोर्स में स्वीट है, इट्स ओके, लेकिन जब आप सोडा पीते हो, जब आप जूस लेते हो, एडेड होता है, आर्टिफिशियल एडेड होता है वो, आपके बोन को ध्यान रखना, ये जो है हड्डियों का प्रॉब्लम जिसको भी है, राइट, क्यों, शुगर की मात्रा बढ़ गई, हड्डियों में होल होना शुरू कर गया, होल होना, इसीलिए हम चाय कॉफी, चाय को बंद करते, कॉफी को बंद करवाते, और आर्टिफिशियल शुगर जो भी है, स्वीट्स आप खाते हो या केक्स एंड बेक्स जो भी आप खाते हो, उसको आपको बंद करना है। क्या है, शुगर को कट डाउन कर लीजिए, और जो आप सॉल्ट लेते हो उसको सप्रमाण में, जो काला नमक नहीं लेकिन आप जो सेंधा नमक है उसको खाना शुरू कर दीजिए। इतना आप ट्राई कीजिए और फिर देखिए कि आपको कैसा, और सन में बैठना शुरू कर दीजिए 20 मिनट्स एंड डू द एक्सरसाइज, ओके, तो ही आपका बोन अच्छा हो सकता है। मैम अब हमारे अगले दर्शक हैं ऋतिक, उनकी उम्र है 19 साल, वो बता रहे हैं कि मैम मैं बहुत लीन हूँ, मेरा वेट सिर्फ 40 है और मुझे भूख भी नहीं लगती है और पेट भी भरा भरा सा रहता है, तो मेरी आप मदद कीजिए। यस, अब देखिए अगेन जाइए सिस्टम, कौन सा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, माइक्रोबियम्स, राइट, गट, इंप्रूव योर द बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया को, क्योंकि जब आपकी माइक्रो गट ही खराब हो गई है तो वो क्या करती है, आपकी जो जठराग्नि होनी चाहिए वो मंदाग्नि हो रही है, तो उसको आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए। गूगल में अगर हमारे पास समय की मात्रा रहती, इसलिए हम आपको नहीं डिटेल में बता सकते, लेकिन सिर्फ गूगल में जाइए, लिखिए कि माइक्रोब को अगर आपको घर पे करना है या गट, राइट, तो वो कैसे मैं हेल्दी रखूं, किस तरह से फूड लूं, तो वो आपको लिस्ट देगा। तो जैसे मैंने बोला फर्मेंट आप अपने घर पे बनाइए, जैसे कि ककुम्बर है उसको आप फर्मेंट कर लीजिए, ककुम्बर के अचार बनाइए, कैरोट का अचार बनाइए, फिर ये बहुत से रेडीमेड भी आते हैं, लेकिन आई डोंट रेकमेंड रेडीमेड, एक आपको रेसिपी बताती हूँ, कैबेज को ले लीजिए, उसके अंदर कैबेज के आपको क्या करना है, मैश कर लेना है, थोड़ा सा जूस निकालना है, मैश करना है, फिर एसीबी यानी कि एप्पल साइडर विनेगर डाल देना है आपको, और उसको ढक के रख देना है। अब जब ढक के रख दिया तो वो क्या है, एक दिन में, डिपेंड्स करता है आप कहाँ पे रहते हो, वो फर्मेंट होने लगेगा, राइट। और अगर एप्पल साइडर विनेगर नहीं इस्तेमाल करना है तो आप क्या कर सकते हो, एप्पल अगर आपके पास हो तो एप्पल को और उसकी जो बीच वाला जो होता है ना कैबेज का, उन दोनों को क्रश कर दीजिए, मेकस जूस जैसा बना दीजिए, राइट, और उसको डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए इंस्टेड ऑफ एप्पल साइडर विनेगर, राइट, और ढक दीजिए। और आपको क्या करना है, एवरीडे जस्ट देखना है कि थोड़ा सा खट्टा स्मेल आया, और उसके बाद रोज 1 से 2 चम्मच ये खाना शुरू कर दीजिए, आप देखिए कैसा होता है। दूसरा जिंजर, जिंजर देखो
जिंजर और हल्दी और अदरक दोनों अभी सीजन आएगी, मिलने लगेगा। तो जब सीजन होती है तो हल्दी को और अदरक को कंज्यूम कीजिए, राइट। खाना खाने के पहले अदरक को कंज्यूम कीजिए, कैसे, 4-5 जैसे सीधे स्टिक्स काटे और उसके अंदर नमक है, काला नमक डाला, फिर आपने नींबू डाला और वो 2-3 लीजिए, तो आपके क्या होगा, ये जो है वो गंदगी यहाँ पे फंस गई है ना, इसीलिए आपका कुछ नहीं हो रहा है। तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, च्यवनप्राश है, आंवला है, क्योंकि अंदर कितनी है, 70% है हमारे माइक्रोब्स, गट माइक्रोब्स में ही 70% हमारी इम्यूनिटी है, तो उसको आप हेल्दी, मणिपुर को हेल्दी कर दीजिए, राइट। जैसे आप मणिपुर को हेल्दी करोगे, ऑटोमेटिक आपके जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। यूज द क्रिस्टल ऑल्सो, सिट्रीन क्रिस्टल है, वो बहुत अच्छी तरह से आपको काम करता है। व्हेन यू डू द ध्यान, यूज द क्रिस्टल, सिट्रीन को आप पकड़ लीजिए, जैसे ऐसे ही पिरामिड्स आता है आपके पास, राइट। दिस इज द 7 चक्रा, बट इट्स क्रिस्टल, सिट्रीन वाला भी आता है, यूज दिस वन, राइट, एंड होल्ड इन योर हैंड्स व्हेनेवर यू पुट, और नीचे अफर्मेशन डालिए और आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप कर सकते हो। मैम, अब हमारे अगले दर्शक हैं नंदलाल, उनकी उम्र है 54 साल। वो बता रहे हैं कि वो खाना भी सही खाते हैं लेकिन उन्हें तब भी वीकनेस लगती है, और वो बता रहे हैं कि उन्हें जो वो खाते हैं वो पचता नहीं है, तो वो इसके लिए क्या कर सकते हैं? Yes, अब देखिए अगेन वही आता है कि खाना पच क्यों नहीं रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया जो हमारे वो अच्छे वाले नहीं, गंदे वाले बैक्टीरिया। देखिए हमारे गंदे वाले बैक्टीरिया क्या करते हैं, आप जो भी अच्छा भी खाना खाते हो ना उसको बाइट करके खा लेते हैं, वो ध्यान रखना आपको। आपने मान लो मावा खाया, मैदा, जो भी आपको बोला गया, फ्रूट्स खाए, ये खाया, लेकिन आपके अंदर गंदगी को निकालने के लिए तो फर्स्ट आपको क्या करना है, 7 दिन का 5 दिन का 10 दिन का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम कर लीजिए। जैसे ही आप डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम करते हो ना, आपका गट हेल्दी क्लीन हो जाता है, लीवर क्लीन हो जाता है, सब कुछ क्लीन होने लगता है। वो हो जाए उसके बाद आपको प्रॉपरली फूड इंटेक करना है, तो आपको खास ध्यान रखना है कि 5 दिन का पहले क्लिंजिंग कर लीजिए, राइट। तो क्लिंजिंग में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको फ्रूट्स एंड आप ले सकते हो, वेजिटेबल्स ले सकते हो, बट कुक वाला नहीं लेना है, वो ध्यान रखना है आपको। अनकुक वाला आपको 5 दिन खाना है और उसके बाद धीरे धीरे आप इंक्रीज कर सकते हो। तो जैसे ही आप ये करोगे तो ध्यान रखना है, हमारी 5 सिस्टम को आप मजबूत कर लीजिए, वो ध्यान रखिए कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। फर्स्ट गट, राइट, गट इज अ मेन रोल करता है आगे जाने का, पीछे आने का। डीएनए भी, स्टेम सेल जो मैंने आपको बोला, वो डीएनए के पीछे का शू जो लेस बताया वो, उसको बढ़ाने की कोशिश। तो आप जो ड्रिंक्स लेते हो, मान लो अभी आप यंग हो, आप क्या करते हो, मैं तो है ना डाइट सोडा पीता हूँ, मैं तो ऑरेंज जूस पीता हूँ, ट्रेट्रा पैक पीता हूँ, नहीं, सॉल्ट, शुगर, रेडी टू मिक्स जो प्रोडक्ट है, हिडन आर्टिकल। तो आपको क्या करना है, जैसे मेरे ये है, पीछे का लेबल को पढ़ने की कोशिश कीजिए, पहले जो है वो हैवी कॉन्सेंट्रेट वाला अन्न डाला हुआ, नहीं हुआ तो लिखिए, जूम आउट करके प्रिंट करिए और गूगल से पूछो व्हाट इज दिस वन, ये क्या डाला हुआ है। वो लिखते हैं कि हमने एक्वा डाला है, राइट, तो व्हाट इज एक्वा, तो एक्वा इज वाटर, तो वाटर का कंटेंट इसके अंदर का। फिर लिखा है फैट लिखा होता है या स्वीट लिखा होता है, राइट, आर्टिफिशियल शुगर लिखा होता है या कुछ ऐसा नाम लिखा, लिखो इसके अंदर, सर्च करो। तो मेन आपका काम क्या रहेगा, सर्च द लेबल, फाइंड द लेबल, और उसके बाद आप कर सकते हो। तो आप जो भी खान पीन कर रहे हो उसका पहला सर्चिंग कर लिए कि मैं ये जो खाना खा रही हूँ सच में आपको लगेगा कि मैम ये तो बहुत ही ऑर्गेनिक है, ये तो मैं स्टोर से लाए, प्रॉपर ऑर्गेनिक है, नहीं, ऑर्गेनिक कुछ नहीं होता, आजकल ऑर्गेनिक के नाम से बहुत सारे दंगल बेचते रहते हैं। दूसरा बताती हूँ, पहले जो हम लोग अन्न को पकाते थे, देखो कीड़े आते थे, राइट, तो कीड़े आते हैं दैट मीन्स वो अन्न अच्छा है। अब क्या होने लगा, कीड़े ही नहीं आते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना, राइट, टू मच ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, तो मार्केट बन गया, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मार्केट, उसमें भी भेलसेल होने लगी है। तो आपको बस आंखें खुली रखनी है, मुंह को खुला रखना है, जो भी मैं खा रहा हूं वो मेरे शरीर में जाने के बाद क्या बता रहा है वो करना है आपको, राइट। तो इतना आप कीजिए, ऑब्जर्व योर बॉडी एंड ऑब्जर्व एवरीथिंग, सराउंडिंग को ऑब्जर्व कीजिए और फिर देखिए। और दूसरा, सबको एक लास्ट में मैं बताना चाहती हूँ कि आपको मार्केट में जाना है, जो सबसे सस्ता फ्रूट मिल रहा है वो ही उठाना है, जो सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स दिख रहा है वही वेजिटेबल्स को खाए, क्योंकि सीजन वाइज
वेजिटेबल्स बदलता है, सीजन्स वाइज फ्रूट बदलते हैं, तो उसको आप लीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कौन सा फ्रूट खाना चाहिए, कौन सा वेजिटेबल्स खाना चाहिए, कौन से दालें खानी चाहिए, तो मार्केट में क्या है, राइट? जैसे गर्मी है तो मैंगो है, तो मैंगो को आप कच्चा आम है वो आम, उसको आम को अलग अलग वे में खाइए, राइट? लेकिन जितना आम का सीजन है उतना ही खाइए। फिर आप स्टोर करके बोलोगे मैं तो मैम जनवरी में भी मैं आम खाओ तो अच्छा लगे, मैं थोड़ा सा खाना है क्योंकि काइट फ्लाइंग है ना, उसमें मुझे आम चाहिए, मैं तो मार्च में भी आम खाऊ क्या? नहीं, वो सब कुछ नहीं करना है, स्टोर स्टोर ही होता है। तो ऑलवेज रिमेम्बर, आंखें को खुली रखिए और ऑब्जर्व क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए। मैम, हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब इतनी खूबसूरती से देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ, अगले एपिसोड में आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।